हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं रेडमी नोट 10 प्रो के टच के बारे में। तो चलिए जानते हैं कुछ नया। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके के पॉइंट है टच के कनेक्टर के हमारे रेडमी नोट 10 प्रो के। तो ये देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेन पॉइंट है हमारे टच के लिए। बाकी डिस्प्ले का मैंने आगे बताया है आपको कि डिस्प्ले और वाईफाई की वीडियो एक बना के रखी है हमने। तो चलिए देखते हैं आज। तो एक पॉइंट जो है हमारा पावर में जा रहा है ये वाला, और दूसरा पॉइंट जो पावर से निकल के जा रहा है हमारा ये कंपोनेंट में जा रहा है ये वाले। तो इस तरीके के कुछ काम है। और ये बाकी की लाइन जो ये दिख रही है इधर वाली, ये वाली जो लाइनें हैं हमारी, ये डायरेक्ट सीपीयू में गई हुई है, देख लीजिए। तो अगर आपके फ़ोन में अगर टच वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ये कंपोनेंट पहले चेक करके देख लेना है ये वाला, एक चेंज करके। नहीं तो फिर आपको पावर आईसी के उल्टे चेक कर लेने हैं, उल्टे पावर आईसी हमारी जो है प्रॉपर बना रही है कि नहीं, वोल्टेज बराबर बना रही होंगी। तो इसका मतलब ये है, ये सब चीज़ें ओके है, हमें आपका प्रोसेसर निकाल के बनाना पड़ेगा। तो प्रोसेसर आपको निकाल के बनाना है, आपका प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगा टच नॉट वर्किंग का। तो ये केस में होता है क्या, प्रोसेसर क्यों ड्राई होने की वजह से होता है। कई बार क्या होता है, इसमें लूज कॉन्टेक्ट आ जाता है। कई बार फ़ोन अपन को ऐसा लगता है कि टच कभी वर्क कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, तो वो ज़्यादातर प्रॉब्लम प्रोसेसर का रहता है। गेम वीडियो देख देख के, खेल खेल के प्रोसेसर हीट हो के अंदर से उसके जो बॉल है वो ड्राई हो जाते हैं। प्रोसेसर बहुत खतरनाक गर्म आता है नीचे से, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी, समझाने का तरीका पसंद आया होगा, तो आप चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबा ले अभी तक के आप चैनल पे नए होंगे। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।